हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाटरप्रूफ मेकअप के बारे में। मैं आज आपको बताऊंगी वाटरप्रूफ मेकअप समर मेकअप कैसे करते हैं। तो गर्मियों में आप जब भी मेकअप करें तो उससे पहले आप अपने फेस को रोज़ वाटर से क्लीन कर लो। मैं आपको मेकअप कैसे करते हैं सारे स्टेप बताऊंगी, लेकिन ये स्टेप मेकअप से पहले आपको करना है जिससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है। तो आपको रोज़ वाटर से आपका फेस क्लीन करना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर आपको एक बाउल में पानी लेना है और उसमें थोड़े से आइस क्यूब डालना है, और आपको एक क्लीन हैंकी लेना है, उसे आइस क्यूब वाटर में डिप करके निचोड़ कर फेस पर 2 मिनट के लिए रखना है और उसे हल्के हाथ से प्रेस करना है। जब हम हॉट स्टीम का यूज़ करते हैं ना, तो हमारे जो फेस के पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, लेकिन हम जब आइस क्यूब या कूल वाटर का हैंकी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे पोर्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे ऑयल और स्वेट का प्रेशर कम हो जाता है और हमारा मेकअप बहता नहीं है। और गुलाब जल तो एस्ट्रिंजन की तरह काम करता है। और फिर आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर को उसी पानी में डिप करके अच्छे से स्क्वीज करना है। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। उसे अप्लाई करने के बाद हमें थोड़ी देर के बाद, 1 या 2 मिनट के बाद, कोई भी अच्छा सा प्राइमर लगाना है। इसे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। प्राइमर लगाने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आपको स्वेट की प्रॉब्लम भी इससे ज़्यादा नहीं होगी और प्राइमर से आपका मेकअप ग्रे भी नहीं होगा। और नेक्स्ट आपको यूज़ करना है कंसीलर, ठीक है, और उसके बाद कंसीलर के बाद आपको अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करना है। आपको पूरे फेस पर अच्छे से ब्लेंड करना है फाउंडेशन को, और उसके बाद आपको यूज़ करना है लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर। मैंने आपको मेरी अगली वीडियो में बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि आपको पाउडर ब्रश की हेल्प से ही लगाना है, जिससे आपका बेस अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है और फिर उसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से डैब डैब करना है, जिससे आपका मेकअप बहेगा नहीं और उसकी जगह से हटेगा भी नहीं। आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और वाटरप्रूफ हो जाएगा। और आप गर्मियों में कहीं भी मेकअप करके जा रहे हो तो ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद आपको आई मेकअप, ब्लशर, हाइलाइटर जो भी ऐड करना हो आप कर सकते हो। इससे आपका मेकअप 100% वाटरप्रूफ रहेगा और बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।